तुम्हारे मी इलेनेक्स डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ऑक्सीजन ओएस का अपडेट आ चुका है। जी हाँ, ट्रूली प्योर ऑक्सीजन ओएस का अपडेट, क्योंकि आज के टाइम में एक कलर ओएस बन चुका है, बट ये काफ़ी ओल्डर है। और आप कहोगे भाई इतना पुराना क्यों, तो भाई अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, गेमिंग करना है, तो ये रोम आपके लिए परफेक्ट होगा। और स्पेशली लोग इसे इसीलिए डालते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ, प्योर ऑक्सीजन ओएस तो है, लेकिन एक्स्ट्रा मोटिवेशन दिया गया है ताकि आपको फुल बेनिफिट मिल सके इसके यूज के टाइम पे। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या कुछ कैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद मैं मी इलेवनएक्स को वापस लेके आया हूँ अपने चैनल पे, तो आपकी सपोर्ट की नीड है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इसके अबाउट से, तो आपको लिखा हुआ मिलता है डिवाइस नेम पोको F3, मी 11X और रेडमी K40। ये तीनों सेम डिवाइस है, बस अलग अलग रीजन में अलग नाम से गया है, तो तीनों पे ये डाल सकते हो। बाकी डिवाइस के थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाए देते हैं, हमारे मेंटेनर का नेम, जिनको बिग थैंक्स, क्योंकि ये इतना अच्छा रोम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड्रॉयड 11 आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 1 जून 2021 का आपको यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट दिखाई देता है। 2561 का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल वगैरह और बिल्ड नंबर वगैरह। और हाँ, यहाँ पे ओल्डर एंड्रॉयड होने की वजह से आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि एंड्रॉयड 13 के बाद ही लोचा आया है, गूगल ने पॉलिसी चेंज कर दिया, लेकिन पुराने वाले में ये पास है, तो डोंट वरी। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन ओएस का वर्जन, जो कि 11.2.8.8 आपको देखने को मिलता है। बिल्ड नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। और हाँ, ये एक ऐसा रोम है जिसे आप फर्स्ट डे डाल के भी अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डे का भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन मुझे देखने को मिला है। और एक दिन और अगर आप स्पेंड कर लेते हो, इसे सेटल होने देते हो, तो भाई और भी बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि मोस्टली रोम जब आप फर्स्ट डे डालते हो तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना कि सेकेंड डे के बाद करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नोटिस हुई, जो कि आपको पसंद आएगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पॉकेट मोड वगैरह, जो कि आप ऑन कर लेना, यहाँ पे अलग से ऐड किया गया है। पावर ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यूटिलिटी के अंदर पैरेलल एप्स, ऐप लॉकर वगैरह आप यूज कर सकते हो। बाकी अकाउंट वगैरह, बैटरी वगैरह यहाँ पे जितना मैंने यूज किया अच्छा है। और यहाँ पे प्रोफाइल भी दिया गया है, जहाँ से आप पर्सनली बूस्ट भी कर सकते हो अपने सिंगल सिंगल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को, जो कि एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया गया है हमारे बेसिक नीड और यूज को फुलफिल करने के लिए, जो कि अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे जितना यूज किया यार, मुझे पसंद आया पर्सनली। बाकी प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ब्रेक देखने को मिल जाती है, जैसे कि फेस अनलॉक और बाकी सारी चीज़ें, जो कि अक्सर गूगल के अंदर नोटिस होता है, बट यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट वगैरह वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती इससे रिलेटेड, और डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड भी रहता है। वहीं पर बात करें यहाँ पे बटन एंड जेस्चर्स की, तो अलर्ट स्लाइडर तो भाई वन प्लस में हार्डवेयर रहता है, तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया है, जिसे बस आपको एक परमिशन देना है, उसके बाद अपने फ़ोन को साइलेंट या फिर आप जो म्यूट वगैरह कर सकते हो, DND भी एक्टिवेट कर पाओगे, यानी बिल्कुल ही म्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी काम करती है, तो इस एप्लीकेशन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अलर्ट स्लाइडर का। यहाँ से आप इसे नेम बार बटन्स वगैरह डाल सकते हो, जेस्चर्स को भी आप हाइड कर सकते हो यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पावर मेनू या वॉइस असिस्टेंट रखना है। लॉन्ग प्रेस एक फोटो का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें साउंड की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या ऐड किया गया है, कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मी साउंड इफेक्ट, जो कि डॉल्बी वाला है ना, ये ऐड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है। प्लस में यहाँ पे आपको जो मी का जो खुद का साउंड इफेक्ट मिलता है ना डायरेक्ट, ये भी ऐड किया गया है। तो दोनों साउंड इफेक्ट जो कि आपको एक हाइपर ओएस या मी यूआई के अंदर देखने को मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि इसे और भी ज़्यादा है जो यूजफुल बना देती है। तो ऑडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरा से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कस्टमाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो कैनवा और बाकी AOD वगैरह के ऑप्शंस आपको मिलते ही हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और यहाँ पे काम करते हैं। बाकी सिस्टम के कलर को आप खुद से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कुछ आइकन शेप चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 यहाँ पे आइकन पैक भी दिए गए हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स ऐसे ऐड किए गए हैं, जो कि ऑफिशियली इतना तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ इसमें ऐड किया गया है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी यहाँ पे कलर के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पोको है या एप्पल ब्लू वगैरह, और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको रखना है DP वगैरह, यहाँ पे किस स्टाइल का लेआउट कैसे रखना है, जो कि ये वाला है ना, इसे भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ऑप्शन दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है QoS के अनदर ऑप्शंस वगैरह, स्टेटस बार से रिलेटेड यहाँ पे QoS पैनल ट्रांसपेरेंट या पिंच ब्लैक रखना है। यहाँ पे नॉच स्टाइल देखने को आपको मिल जाता है, साथ साथ डिफॉल्ट कलर भी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। QoS पैनल नोटिफिकेशन कलर भी है, लेकिन इसके लिए आपको जो रूट का परमिशन देना पड़ेगा। और हाँ, बाय डिफॉल्ट ये KSU से रूटेड रहता है, बस आपको KSU नेक्स्ट का APK डालना है और आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है, किधर गया भाई हमारा, ये रहा KSU, ठीक है। आप जैसे इसे इंस्टॉल कर लोगे, आपका जो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बाकी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पे सही लगा है।
इसके बाद हम बात करते हैं क्या की, तो भाई डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस सही मिलता है और ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी सही है, क्योंकि कुछ कुछ रोम में होता है ब्राइटनेस काफ़ी डाउन साइड रहता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आपके ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडवांस के अंदर यहाँ पे इसे आप फोर्सफुली 120 पे इनेबल कर लेना, पहले से ये ऑटो पे रहता है, तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस में भी ज़्यादा बेटर फील आएगा। ये J1+ टूल दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप क्विक सेटिंग में बदलाव ला सकते हो, एनिमेशन स्केल यहाँ पे दिए गए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, तो ये भी एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए OnePlus के फीचर्स को यूज करने से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे डार्क मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, एम्बिएंट का ऑप्शन है, और हाँ लेफ्ट अप डिस्प्ले आपका वर्किंग है, ऑलवेज ऑन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये भी आपका है जो वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो अपने हिसाब से इसे यूज करना है तो करो, अदरवाइज आप इग्नोर करो, मर्जी आपकी है। बाकी यहाँ पे स्टेटस बार कोई बेसिक से बैटरी कस्टमाइजेशन, आइकन मैनेजर, बैटरी परसेंटेज आपको मिल जाता है, क्लॉक के कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं जो कि काम करते हैं। आते हैं हम कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो यहाँ पे थीम्ड में आपको मैकलेलन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन कर सकते हो, जिसके बाद से उसी का पूरा लुक आपको देखने को मिल जाएगा अपने फोन के अंदर, तो ये चीज़ आप रखना चाहते हो तो रखो, या फिर आपको नॉर्मल रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। देखिए एक्स्ट्रा थीम भी यहाँ पे ऐड करा गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी ब्लूटूथ वगैरह हमारा काम कर रहा है, वाईफाई वगैरह काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, ये मैंने चेक कर रखा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, और कैमरे की टेंशन भी यहाँ पे आपको खत्म मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम डिफॉल्ट हमें कैमरा देखने को मिलते हैं ना MIUI हाइपर वाला, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है, और 4K का 30 FPS आपको रिकॉर्डिंग करके देता है, जो कि ऑफिशियली इतना ही हमें मिलता था, ये चीज़ भी यहाँ पे आपकी सही है। साथ साथ ऑक्सीजन और इसका खुद का डायलर वगैरह है जो कि अच्छी बात है, गेम स्पेस दिया गया है, यहाँ पे इसका खुद का फाइल मेजर वगैरह आपको देखने को मिलता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, और बाकी अदर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट आपका है जो यहाँ पे VoNR कॉलिंग नहीं रहता, इसे आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक डेवलपर मेंटर ने इसे फिक्स करके दिया है, जिसके लिए बस आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, और ये हर एक मिलेनियस के रोम पे काम करता है, बस उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि ये रहा हमारा QTC मॉडर्न, ठीक है, इसे आपको इंस्टॉल करना है, और हाँ आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए, इसे आपको ऑन कर लेना है, उसका ट्रिपल डॉट पे जाना है, यहाँ पे डेटा जो प्रेफरेंस है इस पे आ जाना है, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें ऑन करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे एना मिलता है ना फीचर्स, इसके अंदर आना है, इसे आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पे जो चैन वन है इसे भी आपको एक बार ऑन कर लेना है, इसे एक बार ऑन एंड ऑफ कर लेना है, और आप चाहो तो अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, ताकि ये फीचर्स अच्छे से आपका परफॉर्म करे, और उसके बाद आपका जो कॉलिंग काम करने लग जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपको अगर दिक्कत आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 5G पे कॉलिंग हो रहा है, जबकि नॉर्मली जो हम कॉल करते हैं ना तो ये 4G पे स्विच कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सेटिंग अप्लाई करते हैं आपका 5G पे काम करने लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत फील होती है कि भाई 4G पे स्विच कर जा रहा है, तो सिंपल आपको अपने डायलर पे आना है, डायल पैड को ओपन करना है, और एक नंबर डालना है जो कि हमारा स्टार है ये नंबर डालना है, और लास्ट में स्टार, उसके बाद आपका जो ये फ़ोन इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ NR ओनली कर लेना है, कब, जब आपका नॉर्मल काम नहीं करता वो सेटिंग अप्लाई करने के बाद तब, और ये सिर्फ NR ओनली आपको एंड्रॉयड 11 वाले रोम पे ही करना पड़ेगा, बाकी अदर लेटेस्ट जितने भी है उन पे ये सेटिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपका ऐसी है जो काम करने लग जाएगा आपका VoNR कॉलिंग, जो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। और कल के डेट में मेरा भाई डेटा खत्म हो चुका था 4G का, जिसकी वजह से मैं वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो ये स्टेप मैंने आपको बताया इसे अप्लाई करने के बाद भाई मेरा वीडियो कॉल वर्किंग हो गया था, क्योंकि सारी कॉल हमारी 5G के ऊपर ही हो रही थी। बाकी इसके सेटिंग के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जो कुछ भी जैसे रहता है सेम टू सेम आपको वैसे ही रखना है, बस यहां पे आना है और इसे एक बार ऑन ऑफ कर लेना है सारी चीजें कर लेने के बाद, उसके बाद आपकी सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह क्या कुछ आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कॉलिंग वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हो हमारा है जो नॉर्मल अनटूटू स्कोर है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ये रोम डालने के बाद का ही टेस्टिंग रिजल्ट है जो कि पसंद आया। लेकिन जैसे ही फोन थोड़ा सेटल होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, और हाँ यहाँ पे मैंने इसका जो प्रोफाइल है ना बूस्ट करने के लिए उसका भी मैंने यूज किया है, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आया, और ऐसा रिजल्ट भाई एंड्रॉयड 15 के कस्टम रोम पे भी नहीं आता परफॉर्मेंस बूस्ट करने के बाद, जो कि यहाँ पे मुझे देखने को मिला, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। इसके बाद आप देख सकते हो तो ये हमारा नॉर्मल CPU रिजल्ट, जो कि रोम बूट करने और सेटअप करने के बाद ही चेक किया था, और काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पे 3,06,000 मैक्स और मिनिमम 2,77,000 और 92 का परसेंटेज निकल के आता है। लेकिन वहीं पे जब ये रोम थोड़ा सेटल होता है और प्रोफाइल का मैं यूज़ करता हूँ बूस्ट करने के लिए, तो 3,19,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,90,000 93 का परसेंटेज, यानी देख रहे हो भाई रोम को डालते ही सेटअप किया और चेक किया, जबकि नॉर्मल में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बट यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं देखने को मिली, तो ये चीज़ यार मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा इस रोम के तरफ से।
बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अगर हम बात करें बैटरी चार्जिंग वगैरह की, तो यहाँ पे काफ़ी सही स्पीड में आता है, जो कि 15 मिनट में 36% चार्ज करके देता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्पीड है। साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस का था, तो आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपको एनिमेट करता हुआ नजर आएगा जब भी आप इसे चार्जिंग पे डालोगे। ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आती है। इसके बाद यहाँ पे फोटो स्टोरेज भी अनलॉक किया गया है, जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन इसमें होता नहीं है, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। 11 का सपोर्ट है, यहाँ पे HDR और 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा, डिवाइस आपको सर्टिफाइड रहता है, सेफ्टी नेट पास रहता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो बैंकिंग ऐप में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, टेंशन मत लेना। साथ साथ ये हमारा नॉर्मल गीगबेंच, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, और जैसे ही रोम थोड़ा सेटल होता है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, तो यहाँ पे सिमिलर ही रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी इस रोम को सेटल होने का ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले से ही ये नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। ये चीज़ सबसे बड़ा यूनिक है इसका। साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है, साथ साथ मैंने यहाँ पे कैमरा वगैरह चेक किया, जो कि हमारा काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी फीचर्स मिल जाता है, यानी एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक कर दिया गया है गेमिंग के अंदर, जो कि ये इसे थोड़ा और बेटर बना देता है अगर आप गेमर्स हो तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सही और एक्यूरेट रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कॉलिंग वगैरह जब मैं चेक किया था तो वर्किंग रहता है, और ये हमारा वीडियो कॉल, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे 5G के ऊपर ही कॉलिंग हो रहा है, वीडियो कॉल वगैरह की, जो कि नॉर्मली जो 4G पे स्विच कर जाता है। तो जो मैंने स्टेप बताया उसे फॉलो कर लेना, एवरी आने वाले रोम के ऊपर आपका सब पे है जो काम करने लग जाएगा। और हाँ, यहाँ पे 5G वगैरह आपका वर्किंग है, जियो का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जियो ही यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पाओगे जियो ट्रू 5G वगैरह है, तो ये चीज आपकी वर्किंग रहती है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये है 64 के बाद मॉर्निंग में आता है 60, जहाँ पे आप देखोगे फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि 8 hours 50 minutes का टाइमिंग है, जो कि कोई बड़ा टाइमिंग नहीं है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही भी लगा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट है, और मेरे तरफ से ये रोम रिकमेंडेड भी है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन जब आप इसे डालोगे तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जब इसे नॉर्मली लॉक रखोगे ना, तो आपका पावर बटन समटाइम रिस्पॉन्स नहीं देता है, एक बार दो बार प्रेस करोगे तो ऐसा लगेगा भाई फ़ोन ऑफ हो गया या फिर फ्रीज हो चुका है, ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम कुछ घंटों तक। उसके बाद नॉर्मली ये जो वन टाइम आपका अनलॉक होने लग जाता है, वन टाइम में सारी चीज़ें काम करने लग जाती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अगर आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक यूज करने से रिलेटेड, और मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी है। और इसे इंस्टॉल करने का बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका है, बस आपको जो एफ डाउनलोड डालना है रिकमेंडेड, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और इस रोम को डालना है और फॉर्मेट और रिबूट कर देना है। इजी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल है और क्विक इंस्टॉल भी हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ भाई, शेयर जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई, और रेगुलर वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो। ओके बाय बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ओपन कर लिया है, अब आप चाहो तो नॉर्मल वाइप कर सकते हो, या डायरेक्ट जो सपोर्टेड रिकमेंडेड FW है उसे सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है, जो कि विद इन फ्यू सेकेंड आपका फ्लैश हो जाता है। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही बैक आना है, आपको अपने रोम को सिलेक्ट करना है ऑक्सीजन ओएस को और स्वाइप कर देना है, और ये भी कुछ ही मिनट के अंदर कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट फ्लैश होता है आपको बैक आना है, डिलीट पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे जाके यस टाइप करके फॉर्मेट कर देना है, और जैसे ही कंप्लीट फॉर्मेट होता है आपको बस सिंपल रिबूट कर देना है। रिबूट करते ही विद इन फ्यू सेकेंड आपका फोन ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो बूट एनिमेशन भी आ चुका है। तो बस ये एक छोटा सा सिंपल सा इंस्टॉलेशन गाइड था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इंस्टॉल से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।